गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम अनंता दत्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक हिडन सरफेस रिमूवर ऑफ फिफ्थ यूनिट ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑफ बीई 6M CSE. आज हम पढ़ेंगे कि हिडन सरफेस रिमूवल होता क्या है. वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इज टू रिमूव of hidden parts from image of solid object. Means हमारे पास यदि कोई भी solid object है तो हमको उस solid object से जो भी उसका hidden surface है उस चीज को remove करना computer graphics के लिए एक challenging problem है. यदि हम real life में भी देखें तो हमको the opaque material of this object obstruct the light rays from hidden parts and prevent us from seeing them. Means हम एक ही व्यू से देख सकते हैं और उस व्यू से, जैसे हम एक व्यू से एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमको एक ऑब्जेक्ट की कुछ पार्ट्स नहीं दिखती और कुछ पार्ट्स दिखती है. इन द कंप्यूटर जनरेशन नो सच ऑटोमेटिक एलिमिनेशन टेक प्लेस When object are projected on the screen coordinate system. अभी तक ये कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं आई है जिससे कि जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हो रहा है वो स्क्रीन में वो उसके कोऑर्डिनेट्स हमको शो हो जाए. इंस्टीड ऑल पार्ट्स ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग मैनी पार्ट्स दैट शुड बी इनविजिबल आर डिस्प्लेड. मीन्स हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी पार्ट्स डिस्प्लेड होती है एक स्क्रीन पे, पर हमको सारी पार्ट्स विजिबल नहीं रहती, तो जो इनविजिबल पार्ट है स्क्रीन में वो भी चीजें हमको दिखती है. तो हम क्या करते हैं, टू रिमूव दिस पार्ट्स वी क्रिएट ए मोर रियलिस्टिक इमेज. वी मस्ट अप्लाई अ हिडन लाइन और हिडन सरफेस एल्गोरिदम टू सेट द ऑब्जेक्ट. मीन्स हमको जब स्क्रीन में सारी पार्ट्स दिख नहीं रही है तो जो पार्ट्स दिख नहीं रही है हमको उसको रख के भी क्या मतलब है, तो हम उस पार्ट्स को रिमूव करते हैं और जो एक रियलिस्टिक इमेज बनाते हैं जिससे कि हिडन पार्ट्स रिमूव रहते हैं, हिडन इमेज या हिडन लाइन जो भी चीजें हैं वो रिमूव हो जाती हैं. देन द एल्गोरिदम ऑपरेट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल जनरेट वेरियस फॉर्म ऑफ आउटपुट और कैटर इमेज ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी. जो एल्गोरिदम हम यूज करते हैं उससे बहुत अलग अलग फॉर्म पे आउटपुट आते हैं एक इमेज के अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ. ऑल यूज सम फॉर्म ऑफ जियोमेट्रिक शॉर्टिंग टू डिस्टिंग्विश विजिबल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दोज दैट आर हिडन. मीन्स ये एक ज्योमेट्रिक वे पे फॉर्म होता है शॉर्टिंग टेक्निक्स में, जिससे कि जो विजिबल पार्ट है और जो हिडन पार्ट है वो चीजों को ये डिस्टिंग्विश कर पाए. जस्ट एज अल्फाबेटिकल शॉर्टिंग इज यूज टू डिफ्रेंशिएट वर्ड नियर द बिगनिंग ऑफ द अल्फाबेट फ्रॉम दोज नियर द एंड्स. मीन्स जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स रहते हैं और जो एंड के अल्फाबेट्स रहते हैं हम उस चीज पे शॉर्टिंग करते हैं. ज्योमेट्रिक शॉर्टिंग लोकेट्स ऑब्जेक्ट दैट लाई नियर द ऑब्जर्वर एंड दे आर विजिबल. जैसे कि हमारे पास अल्फाबेट लाइन से लिखी हुई है तो हमारे सामने में जो अल्फाबेट्स लिखी हुई है वो हमको ज्यादा नियर से विजिबल है और जो फार पे है वो चीज हमको विजिबल नहीं होती. वैसे ही ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट में भी या किसी भी ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्वर के पास में जो विजिबल चीजें हैं वो उस चीज को लोकेट करता है और जो ऑब्जर्वर नहीं सीन कर पा रहा है ये उस चीज को रिमूव कर देता है. हिडन लाइन एंड हिडन सरफेस एल्गोरिदम कैपिटलाइज ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोहेरेंस टू रिड्यूस द कंप्यूटिंग रिक्वायर्ड टू जनरेट इमेज. मीन्स क्या करता है, ये जो भी चीजें हमको दिख रही है उस चीज को रख के बाकी को रिमूव कर देता है. जैसे कि आपको इस फिगर से शो हो जाएगा, यदि आप एक विजिबल पार्ट से देखोगे तो आपको सामने की चीजें इस ऑब्जेक्ट की विजिबल होगी, पीछे की जो लाइंस है वो आपको विजिबल नहीं होगी. एक यदि एक आपके पास 3D ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको इसमें सिर्फ सामने के पार्ट दिखेंगे, पीछे के पार्ट नहीं दिखेंगे. तो ये जो ऑब्जेक्ट में जो पीछे की लाइंस है वो हमारे पास हिडन लाइंस है. ये जो पीछे की ये लाइंस है दिस आर नोन एज हिडन लाइंस. देन हम इस चीज को रिमूव करेंगे.
देखिए जो हिडन लाइंस थी पीछे की, हमने उस चीज को रिमूव कर दिया। ये रिमूव करने का एक ये भी है कि हम अपना डेटाबेस क्यों फिल करें, क्योंकि हमारे पास हंड्रेड्स नंबर ऑफ इमेज रहती जिनको हमको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो हम यदि ऑब्जेक्ट से हिडन चीजें रिमूव कर दे तो हमारा स्टोरेज कम हो जाएगा, और जो चीज नीड नहीं है हम उस चीज को स्टोर ही ना करें, और जो रिक्वायरमेंट की नीड्स है हम उस चीज को स्टोर करें। थैंक यू।